और चलिए देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की भावी सीएम आतुशी का बीजेपी पर हमला। यूपी की तरह दिल्ली में बीजेपी बिजली के दाम बढ़ाएगी। यूपी में बिजली ने 250% बिजली के दाम बढ़ाए। दिल्ली में केजरीवाल को वापस लाएं, वरना दिल्ली में भी यूपी जैसे हालात हो जाएंगे। दिल्ली में 37 लाख लोग का जो बिल है वो जीरो है। सब्सिडी के बाद भी दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। जो बिल दिल्ली में 400 के पार 900 रुपए है, बाकी बीजेपी शासित राज्यों में 4 गुना ज्यादा है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है, 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए, और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे, ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए।